सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दी पोकेमोन एरोवर्स। एंड जहाँ पर दोस्तों पिछली बार हमने दोस्तों एक्सप्लोर किया था सिद्धार्थ टनल को, एंड गाइस यार हम आ चुके थे बेयूपलिन को। तो गाइस यार आज हमें जाना है दोस्तों आगे की सफर की तरफ। तो चलिए गाइस यार यहाँ से अभी हम चल रहे हैं। तो ओके गाइस यार यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यहाँ पर अपने जिम को यहाँ पर ज्वाइन करना है, जो कि है वैन विहार पार्क को। तो चलिए गाइस यार यहाँ से अभी सीधा मैं चले जाता हूँ द वैन विहार नेशनल पार्क एंड बेयूपलिन पार्क सिटी बेयूपलिन जिम। तो यस वी आर इन दी वैन विहार पार्क। एंड गाइस यार यहाँ पर जिम भी है बट आगे है, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे चलकर जाना होगा यहाँ पर जिम को देखने के लिए। तो चलिए गाइस यार यहाँ पर अभी हम चलते हैं। दिस प्लेस इज अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर रेनू को शायद एक्सप्लोर करने आई है। एंड गाइस यार इस गेम का वर्जन 1.3 भी आ चुका है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो द फ्रेश लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो चलिए गाइस यार वी आर इन दी जिम। ओके यहाँ पर अपना बड़ी है बड़ी। Oh, welcome to the bowling gym. The gym is shaped like a big green garden full of bugs. There are several huge cobwebs inside which will teleport you to several places in the gym. Solve the puzzle and reach the leader using the webs. Okay guys, यहाँ पर अभी मैं देख लेता हूँ अपने पोकेमोन्स को। तो एक बग टाइप गेम रहने वाली है, तो हमने बोलूंगा जो है यहाँ पर काफी ज्यादा काम आने वाला है, जो कि है गाइस यार लेवल 18 का। तो चलिए यहाँ पर ना मैं अपने फिश प्लांट को भी ना गाइस यार आपको पता ही होगा, तो फिश प्लांट को ना हमने कल अपने यहाँ पर ओके तो एक्सपीरियंस शेयर दे दिया है हमने अपने राजू को। एंड गाइस यार अपने भीम को ना तो यहाँ पर अपने हम दे देते हैं दोस्तों एक मकार नाइट, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पिछले एपिसोड के एंड में यहाँ पर हमने एक मकार नाइट मिला था, जो कि था किसके दोस्तों यहाँ पर रेणुका ने हमें दिया था। तो चलिए गाइस यहाँ पर अभी हमें सब कुछ यहाँ पर सेट हो चुका है, तो चलते हैं गाइस यार सीधा इस जिम के लीडर को चैलेंज करने के लिए। बट गाइस यार एक ट्रैप है बेसिकली, तो यहाँ पर हम जैसे ही जाल में मतलब जाएंगे ना वैसे ही हम फंस जाएंगे, एंड मुझे पता नहीं गाइस यार हम कहाँ पर पहुंचेंगे। बट गाइस यार सबसे गंदी बात क्या लग रही है पता है, कि यहाँ पर भी दोस्तों हमें रेपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कि यार हम यहाँ आया है इसलिए कि रेपल का इस्तेमाल करूँ। तो चलिए गाइस यार यहाँ पर अपना फर्स्ट बैटल मैं सीधा करके ना मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अपने फर्स्ट बैटल भी कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस यार मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाते रहूंगा, और अगर हम पहुंच पाए सही रास्ते पर सो या आई विल बी दी ग्रेट। ओके तो यहाँ पर मैं आगे आ चुका हूँ। ओके यहाँ से दो रास्ते नजर आ रहे हैं मुझे, आगे वाला रास्ता चूज कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर तो मैं बाहर आ गया। ओके यहाँ का रास्ता इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर हम जाते हैं लेफ्ट जाए क्या राइट, राइट तो नहीं क्या करेगा यार लेफ्ट, तो चलो गाइस यार लेफ्ट एक बार चूज कर लेते हैं। ओके यहाँ पर ओके तो मुझे लगता है यार सामने ही हमें गेम लीडर है, बट उसके पहले गाइस यार हमें ये ट्रैप से हमें बाहर बचना होगा। तो यस आई विल बैक व्हेन डन विद दैट बैटल। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अपनी बैटल भी हमने अपना हो चुका है, तो चलिए गाइस यार यहाँ पर अभी चलते हैं। ओके एक और बैटल है हमारे लिए, तो उसे भी डन कर लेते हैं गाइस यार। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अपना एक और बैटल भी सेट हो चुका है, तो चलिए यहाँ पर ओके। तो गाइस यार मैं बस चलता चलता गया और मैं यहाँ तक पहुंच भी गया। सो यस गाइस यार यहाँ पर मैं हीलिंग भी करके आ चुका हूँ। एंड नाउ द दिस इज द शो टाइम गाइस यार, यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ अपने गेम को ताकि कोई हमें दिक्कत ना आए। तो ओके लेट्स गो टू चैलेंज द थर्ड गेम मैच लीडर, गेट रेडी टू स्ट्रिंग बाय द बग्स, आई वॉन्ट गो इजी ऑन यू। सो गाइस यार हियर वी गो, थ्रू द गेम वर्सेस द बेयूपलिन सिटी जिम लीडर ब्रायन। यस गाइस यहाँ पर उसने चूज किया है और बीटेल। गाइस यार मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि ये गाइस कौन से रीजन का पोकेमोन है, मुझे लगता है ना ये फैन मेड में पोकेमोन है। ओके तो हिप्नोसिस, तो यार प्लीज बोलो उठ जाना। ओके साई भी नहीं यार अपना बोलो अब तक सो रहा है, प्लीज यार बोलो। ओके तो गाइस यहाँ पर बोलो उठ चुका है। ओके तो फ्लेम व्हील से जा रहा हूँ मैं, बट मुझे लगता नहीं है कुछ वर्क कर रही है,
बस एक बार ये और दे दे, काम तमाम हो जाएगा। क्या करते ना गाइजा, यहाँ पर ना थोड़ी सी यहाँ पर हीलिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते, तो यहाँ पर हम हीलिंग का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया ताकि भोलू की थोड़ी सी दोस्तों एचपी बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फिर से इस्तेमाल करते हैं फ्लेम व्हील का एंड दैट्स इट गाइजा। यहाँ पर भोलू ने दोस्तों सबसे पहले डाउन कर दिया है उस पोकेमोन को, क्या नाम था मुझे अभी भी याद नहीं है। एंड ओके, तो फ्लेम चार्ज सीखना चाहता है, तो टैकल भूल जाते हैं गाइजा। फ्लेम चार्ज मैं इसलिए सीख रहा हूँ ताकि फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करने से ना अपने पोकेमोन की स्पीड भी बढ़ जाती है। ओके, तो नेक्स्ट अप इज द टीटी फ्लाई। ओके, तो शायद ये मेगा इवोल्यूशन पोकेमोन आने वाला है। तो टीटी फ्लाई इज द बग एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन। ओके ओके, एंड मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइजा इस पोकेमोन का मेगा इवोल्यूशन देखने के लिए। तो चलो यहाँ पर हमें कंप्लीट हीलिंग हो चुकी है। ओके, स्लीप पाउडर। ओके गाइस, क्या करते हैं हम अभी ना बाइट से चले जाते हैं, जितना हमें डैमेज दे सकते हैं ना उतना अच्छा होगा। ओ सिल्वर विंड, मुझे लगता नहीं है कि गाइस आ रहा। ओके तो चलो कोई बात नहीं यार, ढोलू होता रहता है, तूने ट्राई किया बट हुआ नहीं तेरे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो यार ढोलू, तेरे भाई का बदला अभी तुझे लेना है। तो फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यहाँ पर स्पीड गेन कर सके। एंड देन गाइस यार हम जाएंगे फिर से फ्लेम चार्ज के लिए जा रहा हूँ मैं। तो चलो यहाँ पर मैं अभी साइबीम हूँ। ओके, तो अब इस बार क्या इस्तेमाल करेंगे। तो चलो गाइजर यहाँ पर हम फिर से सुपर पोशन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ ओके, स्ट्राई बीम फ्लेम व्हील से चले जाएंगे गाइजर, यानी फ्लेम चार्ज ही रखते हैं फिलहाल के लिए। तो ओके, तो भूलू यार प्लीज डाउन कर दे बड़ी। फ्लेम व्हील एक बार इस्तेमाल कर देखते हैं गाइज यार। ओ अगर मैं शायद शुरू से करता था ना गाइजर एक बार फ्लेम चार्ज एंड देन फ्लेम व्हील तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता, बट कोई बात नहीं यार। तो चले यार अपना राजू खत्म कर दे इस बैटल को क्विक अटैक से, गस्ट का इस्तेमाल कर देखते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है गाइजर यहाँ पर टीटी फ्लाई जो है ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी है। एंड दैट्स इट गाइजर, वी हैव सक्सेसफुली अर्न आर थर्ड जिम बैच ऑफ दिस रीजन। तो चलो यहाँ पर ट्विस्टर सीखना चाहता है तो सीख लेते हैं। ओके गाइजर, वी हैव सक्सेसफुली डिफीटेड द जिम लीडर ब्रायन, यू हैव अर्न द स्टिंग बैच। ओके, ऑब्टेन द स्ट्रगल बग। ओके वाव, यू आर फार बेटर देन आई थॉट, कीप इट अप। तो गाइजर यहाँ पर हमें टोटल अभी अर्न करने हैं 5 जिम बैच। तो चलो गाइस यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों इस गेम को खेलने के लिए। एंड गाइस यार मैं आपको फिर से बता दूं कि इस गेम का वर्जन 1.3 आ चुका है। मुझे अभी मतलब कि पिछले एपिसोड में इस गेम के प्रोड्यूसर ने बताया था, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कह सकते हो आप, तो डेवलपर ने बताया था मुझे कि 1.3 वर्जन आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी यार डाउनलोड कर दीजिएगा, फ्रेश लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो गो एंड चेक इट आउट दैट दी लिंक्स। तो मैं भी अभी डाउनलोड करने वाला हूँ गाइज यार, क्योंकि आगे चलकर कोई भी दिक्कतें ना आए हमारे गेम में, इसलिए गाइज यार यहाँ पर क्योंकि सेवरल जो बग्स है उन्होंने फिक्स किए हैं। तो क्योंकि गाइज यार मुझे कल वाले एपिसोड में ना एक यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था कि उनको यहाँ पर ग्लिच मिला था, तो शायद वो भी ग्लिच उन्होंने सॉल्व किया, क्योंकि मुझे तो ग्लिच नहीं आया, क्योंकि ग्लिच यहाँ पर हर किसी को नहीं आते, कुछ लोगों को ही ग्लिच आते हैं, इसलिए मुझे तो वो ऑब्टेन हुआ नहीं। अगर आगे चलकर कोई भी ग्लिच यहाँ पर आ गया तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए मुझे तो अब तो कोई भी ग्लिच आया नहीं इस गेम को खेलते हुए। हाँ कुछ ग्लिच आए बट वो ऑफ स्क्रीन में आए, ताकि सीधा यहाँ पर गेम बंद हो गया था, बट वो शायद यहाँ पर जो अपडेट आया है ना गाइज वो शायद यहाँ पर इस अपडेट में वो जो ग्लिच है वो निकल चुका होगा। मैं जरूर ट्राई करूंगा यार अपना ये न्यू अपडेट। तो चलो गाइज यहाँ पर अभी हम सीधा बाहर चलते हैं। तो यहाँ के दोस्तों बैटल चल रहे थे शायद, वो तो अभी यहाँ पर यहाँ से हट चुके हैं। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हम चलते। ओके एनीवन प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। हे काम डाउन, दैट व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग? सम पीपल वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस स्टोल माय लिटिल पोंचेल इन अ कैच, आई ट्राइड चेसिंग देम बट दे रन अवे वेरी फास्ट। कैन यू टेल मी टुवर्ड्स वेयर डिड दे गो? दे रन अवे टुवर्ड्स द नागपुर टाउन। They are probably grunts of a team war. Don't worry, kid. I will do my best to get you a Pokemon. Ponkel back. Aren't you through? Maybe you don't know me, but I'm Kalem from Kalos region. And I'm here to research Pokemon of this region. But I also have to be seen given the task of as you. I've been fighting the legendary Professor Mentor told me about you and we're friends. Really nice to meet me. Why don't you come and let us take this kid together, because a team war is the enemy of both of us. I know them very well because I met Renuka before. She told me everything about their motive. So let's defeat them together. Let's fight them first. We will inform each other if we find them. Okay, तो गाइजर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ चुकी हैं। वो दिक्कतें गाइजर इस बैटल को खत्म करके मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, क्योंकि गाइजर वो दिक्कतें तो चलो यार पता ही देता हूँ। वो दिक्कतें गाइजर वो है कि यहाँ पर इस लड़की जो अभी आई थी वो बच्ची,
उसका यहाँ पर टीम वॉर ने पोनचल यहाँ पर स्टील किया है। तो गाइस यार यहाँ पर कैरन आया, जो कि यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर कैलोज रीजन का प्रोटोगनिस्ट यानी कि मेन प्लेयर। आपको देखा ही होगा पोकेमोन एक्स एंड वाई जब आप खेलते होगे, अगर आपने खेला होगा, आपने तब तक नहीं खेला है, बट गाइस यार अगर आपने खेला होगा ना, तो वहाँ का जो मेन प्रोटोगनिस्ट था उसने गाइस यार यहाँ पर मतलब वो यहाँ पर इस गेम में अपीयर हो चुका है। एंड गाइस उसका नाम है कैलम। ओके तो यहाँ पर मुझे इसका नाम भी पता चल चुका है क्योंकि आई डोंट नो हिज नेम प्रीवियस बिफोर, तो इसलिए गाइस यार यहाँ पर मुझे इसका नाम भी पता चल गया। एंड यस यहाँ पर मैं अभी पूरा का पूरा दोस्तों तैयार हूँ अपने आगे के दोस्तों सफर के लिए, तो विदाउट एनी फर्दर तो चलिए गाइस यार यहाँ पर एप्पल का इस्तेमाल कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू रेन द ट्रायल। तो यस आई विल बैक व्हेन आई डन विद द बैटल। तो चलिए गाइस यार यहाँ पर अपना फर्स्ट बैटल लेवल डन हो चुका है एंड गेस व्हाट आर ढोलू इज इवॉल्विंग। यस गाइस यार यहाँ पर अपना ढोलू इवॉल्व हो चुका है एंड जो कि है मुझे नहीं पता कौन सा पोकेमोन इवॉल्व होगा, तो ढोलू हैज इवॉल्व्ड इनटू द रेपैंडा। ओके तो गाइस यार अपने पास आ चुका है एक रेपैंडा, तो चलो यहाँ पर इस ये बंदे के साथ बैटल नहीं करना है क्या? भाई हमसे बैटल नहीं करना है तो कर लेगा गाइस यार, अभी मुझे देखे कर लेगा, नहीं किया अब तक। ओके तो अभी कर लेगा, तो चलो गाइस यार यहाँ पर मैं सीधा आपसे बैटल खत्म करके ही मिलता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर अपना बैटल डन हो चुका है एंड गाइस यहाँ पर मैंने अब तक डिसाइड भी नहीं किया है कि गाइस मैं अपने यहाँ पर ढोलू यानी ढोलू को यहाँ पर मैं अपनी टीम में रखूंगा भी या नहीं। तो गाइस यार प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हमें ढोलू को रखना चाहिए अपनी टीम में या ढोलू इज अ ग्रेट पोकेमॉन बट उसके दोस्तों यहाँ पर मेरे अपनी टीम में जगह होगी या नहीं, वो तो अपना आगे का फ्यूचर ही बताएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर एक और बैटल डन करके मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अपना बैटल भी डन हो चुका है, तो चलिए गाइस यार ध्रुव वी फाउंड हिम कम क्विक ध्रुव। ओके तो क्या हुआ यार? ओके ग्रेट दिस पोनचल नोज द थंडर वेव, वी कैन यूज इट टू पैरालाइज ऑल द पोकेमॉन्स हु विल गिव पोनचल बैक, यू कांट स्टील हर, ओ यू स्केर्ड अस, हा हा, सो दिस क्यूट लिटिल बॉय इज चैलेंजिंग अस, यस आई एम, प्लीज गिव बैक द पोनचल। ओके वन ओनली वन कंडीशन, defeat us in a battle then only you can get the ponchel back and that's impossible, just keep your eyes open. I won't tolerate any regarding my notes. Dhru, let's defeat them and get ponchel back, so get ready for the battle. So here we go guys yaar, to ye log guys yaar humse battle karna chahte hain, so yeah let's go, yahan par hum fast forward kar dete hain. Okay to chaliye kyunki yaar ye log se battle kya hi karne ka, to chaliye yahan par waterfall ka istemal kar lete hain. Okay thunder wave acha hua miss hui. ओके तो गाइस यार यहाँ पर एक पिकाचू अपने फिश प्लांट यानी कि अपने भीम को हरा नहीं सका, तो गाइस यार आप देख ही सकते हो कितना अपना स्ट्रांग है यहाँ पर बोल्ड भीम यहाँ पर। तो ओके यहाँ पर ढोलू को लेकर आ चुके हैं। ओके तो गाइस यार अपना रेड पैंडा को मैंने अपने यहाँ पर अर्थक्वेक टीएम देखे रखी थी पहले ही, अगर आपने देखी नहीं होगी तो माफ कर देना, शायद दिखाई नहीं होगी मैंने भी। ओके तो यार मोगिल क्या कर रहा है क्या पता, मोगिल इज राइस पोकेमोन यहाँ पर, अगर मुझे मिल गया ना गाइस तो मैं सच्चे बोल रहा हूँ यहाँ पर इसे पकड़ लूंगा। ओके तो यहाँ पर अपने भोलू ने दोस्तों उसे बर्न कर दिया, तो शायद अब तक यहाँ पर मोगिल यानी कि पता नहीं गाइस यार ये शायद ये भी यहाँ पर यहाँ का दोस्तों फैनमेड पोकेमोन है, तो मुझे पता नहीं गाइस यार ये कौन सा मतलब कि यहाँ पर फैनमेड यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रिक टाइप तो है पोकेमोन बट और कौन से टाइप से पोकेमोन है मुझे देखना होगा एक बार अपने इस पोकेमोन एरो के यहाँ पर विकीपीडिया में, नहीं तो यहाँ पर पोकेमोन एरो के यहाँ पर डेटाबेस में। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, चलो यहाँ पर वाटर पल्स का शुरुआत कर देते हैं। ओके तो वो दोनों भी वाटर पल्स कर रहे हैं बट उसका वाटर पल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज देने वाला था क्योंकि गाइस यार उसने अपने वाटर पल्स से अपने यहाँ पर भीम को दोस्तों कंफ्यूज कर दिया था।
बट कोई बात नहीं गाइस यार, यहाँ पर अपने फिश प्लांट को यानी कि भीम ने उसे यहाँ पर डाउन कर दिया है। ओके व्हाट नाउ, हाउ कैन यू सेंड हिम? ओह नो, दिस क्यूट बॉय आल्सो डिफीटेड मी। ओह शाल वी रियली हैंड ओवर द पॉन चैनल नाउ? ओह अ कॉल, ओह यस बॉस, ओह आर यू सीइंग अस? बट वेयर आर यू? ओह सॉरी, वी विल गिव यू बैक द पॉन चैनल। सॉरी, यू डोंट कॉल फ्रॉम बॉस, ही इज समवेयर अराउंड हियर, ही इज कीपिंग अ वॉच ऑन अस, ही ऑर्डर्ड टू गिव पॉन चैनल बैक। ओके, ओह थैंक यू किड, आवर बॉस हैज ऑर्डर्ड टू गिव योर पॉन चैनल बैक, वी डोंट नीड अ वीक पोकेमॉन लाइक दिस, टेक दिस पोकेमॉन बैक। ओके, तो यहाँ पर पोकेमॉन दे दिया है गाइस यार। ओके यस, थैंक यू सो, ओके वेलकम, कोई बात नहीं। Hey wait, where are you going? We missed them. But Drew, did you hear that? They said they also have a boss. We need to find their boss as well. Drew, I'm very tired now, or else I have asked for the battle. Now I'm going towards the Nagpred town. Renuka told me that they have a surprise for you there. I don't know what it anyways here. So guys, yaar, aaj ki video mein itna hi. Jo umeed hai ki aapko ye episode zarur pasand aaya ho. और गाइस अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि गाइस अगला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहां पर हमें रेनू का एक गिफ्ट देने वाली है। तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो। एंड गाइस डू चेक आउट द पोकेमॉन एरो विकिपीडिया फॉर द डाउनलोडिंग द वर्जन 1.3। एंड गाइस मैं आपसे भी